हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, न्यूट्रिशियस, ग्लूटेन फ्री वेट लॉस रेसिपी, जो खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बनाना भी आसान। इसके लिए मैंने लिया एक कप बाजरे का आटा और आधा कप पानी है। एक कप आटा है, आधा कप पानी है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है एक गाजर खिसा हुआ, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट है। उसके अलावा ये है मेथी, 100 ग्राम है। मेथी फ्रेश होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप कस्तूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हल्दी, नमक, सफ़ेद तिल्ली, चाट मसाला, जीरा और फ्लैक्सीड्स है। फ्लैक्सीड भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और हरी मिर्च की जगह आप मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और थोड़ा सा घी। सबसे पहले हम लोग पानी को गर्म होने रख देंगे। उसके बाद मैंने लिया एक बाउल, बाउल लेकर इसमें मैं मेथी को डाल रही हूँ। मेथी के पत्ते एकदम छोटे और फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद मैंने डाला है गाजर खिसा हुआ और प्याज, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। वेजिटेबल यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और भी ऐड कर सकते हो, जैसे बंदा गोभी हो गया, बीटरूट हो गया है, मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बाजरे का आटा, हल्दी हाफ टी स्पून है, एक टी स्पून फ्लैक्स सीड्स है, हाफ टी स्पून जीरा, एक टी स्पून चाट मसाला, एक टी स्पून सफ़ेद तिल्ली और यहाँ पे मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, ये हाफ टी स्पून है। डालकर मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जिनको वेट लूज़ करना है उसके लिए बाजरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून घी। घी में आप सोच रहे होंगे फैट रहता है, बट इसमें अच्छा गुड फैट रहता है। अब मैं इनको हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, अभी इसमें हम लोग गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे, ठंडा पानी नहीं यूज़ करना है। ये पानी गर्म है और मैं एक साथ पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। वैसे एक कप आटे के लिए आधा कप पानी लगता है, बट डिपेंड करता है, अगर आपके वेजिटेबल में ज़्यादा मॉइस्चर है तो पानी थोड़ा सा एक दो टीस्पून कम भी लग सकता है। अभी मैंने इनको मिक्स किया है, मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पानी गर्म था। अभी मैं बाकी बचा हुआ भी पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर अभी थोड़ा सा मिक्स करके फिर हाथ से इसका एक सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। डो ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, जैसे हम लोग रोटी बनाते वैसा ही होना चाहिए। बाजरे में ट्रिप्टोफैन होता है, जो एक एमिनो एसिड है, ये भूख को कम करता है और ज़्यादा देर तक पेट भरा भरा रहता है। अब हमारा डो बन के रेडी है, इसके हम लोग बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। आपको जिस साइज़ का रोटी बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप इसके बॉल्स बना के रेडी कर लेना। बाजरे में काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जिस वजह से थोड़ा सा खाने से भी हमारा पेट भरा भरा रहता है और हम लोग ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। अब ये बॉल्स बन गए, मैंने लिया है एक रोलिंग बोर्ड, उसके ऊपर मैं रख रही हूँ सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल की जगह आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं एक बॉल ले रही हूँ, बॉल लेके मैं आपको रोटी बनाने के दोनों तरीके बताऊँगी, जो आपको ईजी लगेगा आप उसको यूज़ करना। हाथों से, फिंगर से इस तरह दबाते हुए हमें इसे पतला रोटी बनाना है। ज़रूरत पड़ने से आप पानी का भी यूज़ कर लेना, पानी का यूज़ करके इसे फैलाते हुए हमें दबाना है। और जितना आपको रोटी बनाना है पतला मोटा, उसके अकॉर्डिंग आप रोटी बना लेना। सिल्वर फॉइल पे रोटी बनाने से एक फ़ायदा ये है कि हमें तवे में डालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैंने तवा गर्म होने रख दिया, उसके ऊपर मैंने हाफ टी स्पून घी डाला है। घी डालकर अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रोटी। रोटी डालकर जैसे ये थोड़ा सा एक तरफ सिक जाएगा, उसके बाद इसे पलट कर हम लोग ऊपर नीचे अच्छे से घी लगा के सेक कर लेंगे। घी आप कम भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, या बिना घी या ऑयल के भी आप इसे बना सकते हो। बट घी में बहुत हेल्दी फैट होता है, बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, इसलिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने इसे पलट दिया है, पलट के इसी तरीके से ऊपर नीचे करते हुए हम लोग इसको सेक लेंगे। इस रेसिपी में मैंने मेथी का यूज़ किया है। आप चाहो तो स्पिनेच भी डाल सकते हो और दूसरे वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हो, जैसे बंदा गोभी है, शिमला मिर्च है, जो आपको पसंद है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग इसमें वेजिटेबल डालेंगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। अब ये काफ़ी अच्छे से सीख गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। निकाल के इसी तरीके से मैं आपको एक और चपाती बना के दिखा दूँगी। अभी फिर से मैंने एक बॉल लिया है, थोड़ा सा मैंने पहले आटा डाला है, आटा डाल के ऊपर नीचे आटा लगाकर
बेलन की सहायता से इसे हम लोग अच्छे से बेलेंगे। आप चाहो तो कपड़ा भी डाल सकते हो, कपड़ा डालकर भी रोटी बनाने में आसानी होती है। अभी मैं इसको बेल रही हूँ। अगर आप बिना सिल्वर फॉइल, पेपर या पॉलीथीन के आप बेलोगे तो निकाल के तवे पे डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप ये रोटी बनाने में एक्सपर्ट है तो आप डायरेक्ट रोलिंग बोर्ड के ऊपर भी रोटी बना सकते हो। इस तरीके से पलटते हुए थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर आप इसकी पतली रोटी बना लेना, जिस साइज़ की आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब ये रोटी बन गया है, इस रोटी को निकाल कर मैं डालूंगी तवे के ऊपर और ऊपर नीचे घी लगाकर जैसे हमने पहले रोटी सेकी थी वैसे इसको भी सेक के रेडी कर लेंगे। सिल्वर फॉइल में बनाने की वजह से तवे में डालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। बाजरे में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जिसके बाल झड़ते उसके लिए भी ये रेसिपी काफ़ी फायदेमंद है। इसे मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे फायदेमंद लगा इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रोटी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी खा सकते हो। इनफैक्ट आप इसे लंच बॉक्स में भी ले जाओगे तो ये काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है और ठंडा होने के बाद भी टेस्टी लगता है। और इसे सर्व करते समय आप चटनी, दही, सब्जी किसी का भी यूज़ कर सकते हो और ये ऐसे भी बिना किसी सब्जी, सॉस, चटनी के भी बहुत टेस्टी लगता है। पर मैं इसे सर्व करती हूँ दही के साथ। अब ये रोटी भी काफ़ी अच्छे से सेक गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। निकाल कर इसे मैं सर्व करूँगी दही के साथ। अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी बाजरा मेथी रोटी ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।